नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। मोदी सरकार ने कच्चे तेल के भंडारण को लेकर एक अहम फैसला लिया। कच्चे तेल की कम कीमतों और सप्लाई में दिक्कत से बचने के लिए भारत ने बड़ा अहम फैसला किया। पहली बार भारत सरकार ने विदेश में इमरजेंसी ऑयल रिजर्व बनाने का फैसला किया। भारत अपना तेल अमेरिका में जमा करेगा। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को यह ऐलान किया। दोनों देशों के बीच सामरिक पेट्रोलियम रिजर्व को लेकर MOU साइन हो गया। हालांकि इस ऑयल रिजर्व की क्षमता कितनी होगी अभी ये नहीं बताया गया, लेकिन माना जा रहा है कि भारतीय रिजर्व से ज्यादा कैपेसिटी वाला रिजर्व ही बनाया जाएगा। अब आपको बताते हैं कि ये ऑयल रिजर्व कैसा दिखता है। ऑयल रिजर्व बाहर से दिखने में बड़े बड़े धब्बों जैसा नजर आता है। जमीन के नीचे सुरंगों का जाल होता है और गुफाएं होती जिनमें तेल भरा जाता है। इमरजेंसी ऑयल सप्लाई के लिए अंडरग्राउंड ठिकानों को ही सबसे सेफ माना जाता है। ये जमीन से 2000 से 4000 फीट नीचे होते हैं। इतने प्रेशर में लीक होने की संभावना न के बराबर होती। ऊपर से हर गुफा के टॉप और बॉटम का तापमान भी अलग अलग होता है। इनमें से तेल निकालने के लिए नीचे से पानी भरा जाता है, तेल ऊपर आ जाता है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि अमेरिका में तेल स्टोर करने को लेकर भारत के पास दो विकल्प। पहला कि जब तेल के दाम कम हो तब कच्चे तेल वाली गुफाओं को लीज पर लिया जाए। दूसरा ये कि लीज ले ली जाए और तेल कीमत कम होने पर अलग से खरीदा जाए ताकि बाद में मुनाफा। अमेरिका में किसका या कितना तेल स्टोर किया जाएगा अभी इस पर बात नहीं हुई। सरकारी कंपनी इंडियन ऑयल का अमेरिका के साथ टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, वो तेल खरीद सकती, नहीं तो सरकार भी तेल का पैसा दे सकती, जैसा उसने मार्च में तेल के दाम कम होने पर सामरिक रिजर्व्स को भरते समय किया था। भारत दुनिया में तेल का तीसरा सबसे बड़ा कंज्यूमर, इसीलिए कीमतों में उतार चढ़ाव का असर यहाँ बहुत देखने को मिलता है। भारत के भीतर तीन रिजर्व विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, मंगलोर कर्नाटक और पाडु कर्नाटक में स्थित है। इनके अलावा सरकार ने चंदीखोल ओडिशा और पाडु कर्नाटक में दो और फैसिलिटी बनाने का ऐलान किया। उनके बनने के बाद भारत के पास 22 दिनों तक का ऑयल रिजर्व होगा। अब भारतीय रिफाइनरीज के पास भी 65 दिनों के लिए पर्याप्त तेल भंडारण की क्षमता है।